हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट की जो कल वैकेंसी निकल के आई है। टोटल 3831 पदों पर उसका सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, तो मैं आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वाइज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें आप सभी लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके बाद आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आप सभी लोगों का मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। हम लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो पहले हम उसके पैटर्न को देखते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पढ़े पूछे जा रहे हैं, एंड देन हम लोग उस टॉपिक को मजबूत करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सबसे जो हाइएस्ट टॉपिक है वो है आप सभी लोगों का हिंदी एंड राइटिंग एबिलिटी। इससे 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस से 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, एंड देन कंसेप्ट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। आप लोगों को अगर जनरल नॉलेज है उत्तर प्रदेश का और जनरल नॉलेज जीके जीएस आप सभी लोगों का ठीक है, एंड देन आप सभी लोगों का हिंदी ठीक है, तो आप लोग इसमें कितने 40-70 नंबर ले आते हैं, तो आप सभी लोगों का कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप लोग का जो पेपर होता है ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 120 मिनट्स मिलता है आप सभी लोगों को। एंड अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ 0.25 निगेटिव मार्किंग इसका रहता है। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक नंबर आप सभी लोगों का कटेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें आप सभी लोगों को हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, कंसेप्ट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड उत्तर प्रदेश। हम सभी इस टॉपिक को अभी मैं आप सभी लोगों को कवर करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट का। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोगों के, इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मयूर डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन, राजपूत पीरियड, सुल्तान पीरियड, मुगल एम्परर, मराठा, द राइज ऑफ ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश राज, द अर्लियर ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, रिजोल्यूशनरी मूवमेंट एंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, लेजिस्लेचर एंड एबेटमेंट एंड द ब्रिटिश इंडियन एक्ट, ठीक है, फिर क्वाइट इंडियन मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि ये पूरे टॉपिक हैं जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आप सभी लोगों का हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट का सिलेबस है, तो आप लोग इस सभी टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का पूछा जाएगा। इसमें आप सभी लोगों को रिवर एंड वैली ऑफ रिवर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मूवमेंट एंड ग्लेशियरीज एंड डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज, मिनरल रिसोर्सेज, पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड, क्लाइमेट एंड वेदर, टाइम जोन, पॉपुलेशन चेंज एंड माइग्रेशन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 टू 1991, ठीक है, प्लानिंग, कंज्यूमिंग एंड 5-ईयर प्लान, डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रिवोल्यूशन, मिंक रिवोल्यूशन, और फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ बैंक्स, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1991 एंड द इकोनॉमिक देयर फादर पोस्ट 2014 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें आप सभी लोगों को पढ़ना है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट, जीएसटी आप सभी लोगों को पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में। ये आप सभी लोगों का टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप सभी लोगों का जो टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, पार्लियामेंट सिस्टम, और फिर फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, जुडिशियल स्ट्रक्चर, सुपर
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, इसमें इवेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा आप सभी लोगों का। आगे बात कर लेते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जो मैथ्स का जो पोर्शन है, इसमें होल नंबर, डिफरेंट डेसिमल, परसेंटेज, सिंपल एंड न्यूमेरिकल इक्वेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, एवरेज से क्वेश्चन रहता है हर बार। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, हिंदी से टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से। कितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को हिंदी जरूर करना है। इसमें आएगा आप सभी लोग का जो सिलेबस है वो है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिंग, एक शब्द लिंग, श्रमसूत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, समानार्थिक शब्द, लेखक और रचनाएँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इंग्लिश ग्रामर एंड अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएगा। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग में लार्जर एंड स्मॉलर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशनशिप, कैलेंडर, वॉच, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर लेटर, निगेटिव रीजनिंग और फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये पूरा टोटल जो है कि रीजनिंग का सिलेबस था। आगे बात करें तो करंट अफेयर की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नेशनल इंटर इंटरनेशनल अफेयर आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा डेली। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इंडियन टेरिटरीज डिजास्टर्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स और फिर क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट। ये आपका टॉपिक था किसका, जनरल अवेयरनेस का। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ टू अनसीन हिंदी पेसेज से। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। फिर उसके बाद ग्राफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों का टेबल्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का आप सभी लोगों का पेपर रहेगा। मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में सिलेबस बता दिया है, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने बता दिया है। जो भी चेंजेस की गई हैं मैंने डिटेल्ड में टॉपिक वाइज आप सभी लोगों को सिलेबस बता दिया है। एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोग स्टैटिक पोर्शन की अगर बात करते हैं, स्टैटिक पोर्शन से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और इसी चैनल पर मैं केस स्टडी वाइज सभी स्टैटिक की क्लासेस अपलोड करवाता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।